Hello guys, welcome back to the channel. And in this video we will be talking about Sibuya new updates and its chat analysis. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो अभी Sibuya Inu को प्राइस देखेंगे आप तो 0.0039 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 2% का अप ट्रेंड देखने को मिला है. तो ये रिसेंट टाइम से अभी जो बहुत स्टेबल में है, जो रिसेंट जो डिप किया था यहाँ पे उसके बाद से अभी बहुत स्टेबल सिचुएशन अभी नज़र आ रहा है. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसका जो बर्न वॉलेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बर्न वॉलेट में बहुत स्लोली स्लोली बर्न हो रहे हैं, लेकिन बर्न हो रहे राइट. अभी 41% कुछ बर्न हुआ है टोटल सप्लाई का, तो ये बड़ी अच्छी बात है. और ट्विटर में इसका कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा कोई न्यूज़ नहीं आया है अभी तक. तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका चैट एनालिसिस. तो पिछले वीडियो में जैसे हमने कहा, जो रिज़ल्ट हमने देखे थे कि अगर इस सपोर्ट रेसिस्टेंस को अगर ये तोड़ता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा. जी वही हुआ था कि यहाँ पे इसने अपना रेसिस्टेंस को तोड़ा और एक नया हाई बनाने का कोशिश किया, बट उस वापस से ये अपना लाइन पे आ गया है. बट ये यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है तो ये सपोर्ट बहुत मेन सपोर्ट था कि अगर इसको ये रेसिस्ट कर लेता है तो उसको यहाँ से एक अप की और पुश मिल सकता है. और वही कर रहा है कि अगर ये धीरे धीरे अगर इस रेसिस्टेंस को अगर ये तोड़ता है अभी तो हम लोग को एक बहुत ट्रेमेंडस मूव देखने को मिलेगा. बट फिलहाल के लिए हम लोग ये उम्मीद करें कि अभी ये हल्के फुल्के में ही जा कर के यहाँ तक आए या फिर थोड़ा सा रेसिस्ट करे और इसको अच्छा से ब्रेकआउट दे यहाँ पे, क्योंकि अभी Sibuya को अभी एक नया ट्रेंड की ज़रूरत है. जो रिसेंट टाइम में जो डाउन ट्रेंड फॉलो अप किया था जो एक सप्ताह आसपास चला, अभी उसको चेंज करके अभी हमें एक नया ट्रेंड चाहिए. अगर एक नया ट्रेंड मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि Sibuya का जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग है. कंपेयर्ड टू अदर मीन टोकन Sibuya का जो कम्युनिटी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. सो आप भी कम्युनिटी में बने रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, इसका बात कीजिए, ठीक है. सो ये पूरा कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है. सो कम्युनिटी जितना एक्टिव रहेगा प्राइस में आपको वो चीज़ डायरेक्टली रिफ्लेक्शन दिखेगा. तो अब अगला जो हमारा इसका टारगेट रहेगा वो आसपास यहाँ पे, इस आसपास ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. अगर यहाँ से अगर हम लोग ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम लोग को अच्छा मूव, एक नया ट्रेंड जो स्टार्ट होगा वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. उम्मीद वही कर रहे हैं. और अगर बाय सेल का बात करेंगे तो फिलहाल जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं आप यहाँ पोजीशन बना सकते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी ये पोजीशन अच्छा पोजीशन है. एज इन कि यहाँ से नीचे जाने का इतना ज़्यादा चांस नहीं है, बट अगर नीचे जाती है तो नीचे भी एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर. बट उम्मीद वो नहीं है. सो अगर जिन्हें भी अभी पोजीशन बनाना है तो यहाँ पोजीशन बना सकते हैं. एज अगर इस रेसिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो वो हमें एक बड़ा मूव देखने को ही मिलेगा, वो श्योर शॉट है. बट चलिए होप करते हैं पॉजिटिव साइड में ही. अगर आप ट्रेड कर रहे हैं सो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा अपने से भी कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं फ़िलहाल. बट हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो हम लोग को एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा. तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही. उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.